आप सभी मेरे दोस्तों को जय श्री कृष्णा। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? गेस करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को झप ताल कायदे के पलटा नंबर फर्स्ट बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और इसे सीखेंगे। दोस्तों मैंने आपको फर्स्ट कायदा बता दिया था, कायदे के बोल में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और इसके बाद हम पलटा सीखेंगे, ठीक है? और यदि आप इस कायदे को नहीं सीख पाए हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सबसे पहले झपताल कायदे को सीखेंगे, फिर इनके पलटा को सीखेंगे, ठीक है? तो झपताल कायदे के बोल हैं, धागे तेटे धागे तिरकिट धीना, धागे तेटे धागे तीना गीना, तागे तेटे तागे तिरकिट तीना, धागे तेटे धागे धीना गीना, ठीक है? इस प्रकार से है, धागे तेटे धागे तिरकिट धीना, धागे तेटे धागे धीना गीना, धागे तेटे धागे तिरकिट धीना, धागे तेटे धागे धीना गीना, ठीक है? गेस करते हैं कि आप इसे बजाना सीख गया होंगे। यदि आप इस कायदा को नहीं सीख पाए हैं तो मैंने इसका फुल्ली ट्यूटोरियल वीडियो बनाया हूं, जो कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जा कर के और डिस्क्रिप्शन में आप वहां से इस लिंक पर सर्च करेंगे और इस कायदे को सीखेंगे। और दोस्तों आपको एक और सुझाव दे दूँ, आप चैनल पर जा कर के वीडियो में जाएंगे और फर्स्ट सेकेंड वीडियो के बाद आपको ये कायदा मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर के आप ट्यूटोरियल में इस कायदे को सीख सकते हैं, ठीक है? ये झप ताल 10 मात्रे के कायदे हैं। झप ताल में कुल 10 मात्रा होते हैं, 1, 3, 8, 48, छठी मात्रा खाली, ठीक है? 1, 3, 8, 48, छठी मात्रा खाली। झप ताल के ठेके के बोल क्या हैं? धी ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना, ठीक है? आप समझ गए होंगे, धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना, ठीक है? तो चलिए पलटा बजाना सीखते हैं। और पलटा कैसे किसे हैं? कायदा तो आप जानते ही हैं कि कायदा तबले के एक अत्यंत प्राचीन शब्द है, जिसकी उत्पत्ति फारसी भाषा के कैद शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है, जिसका मतलब होता है प्रतिबंध या पाबंदी लगाना, ठीक है? और कायदा बजाने से आज कायदा से होती है सोलो तथा संगत करने की क्षमता आती है। कायदा बजाने से हम लोग तबला जल्द से जल्द सीख जाते हैं, कायदा बजाने से, ठीक है? और पलटा किसे कहते हैं? तो पलटा कहते हैं तबले के कायदे में आए हुए बोलों को विभिन्न प्रकार से उलट पलट करके बजाने की प्रक्रिया को हम लोग पलटा कहते हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग पलटा को सीखते हैं। सबसे पहले मैं पलटा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लिख लेंगे। बोल है, धागे तेटे धागे तिरकिट धीना, धागे तेटे धागे तिरकिट धीना, धागे तेटे धागे तिरकिट धीना, धागे तेटे धागे तीना गीना, तागे तेटे तागे तिरकिट तीना, तागे तेटे तागे तिरकिट तीना, धागे तेटे धागे तिरकिट धीना, धागे तेटे धागे धीना गीना, ठीक है? गेस करते हैं कि आप लिख लिए होंगे, धागे तेटे धागे तिरकिट धीना, धागे तेटे धागे तिरकिट धीना, धागे तेटे धागे तिरकिट धीना, धागे तेटे धागे तीना गीना, तागे तेटे तागे तिरकिट तीना, तागे तेटे तागे तिरकिट तीना, धागे तेटे धागे तिरकिट धीना, धागे तेटे धागे धीना गीना। तो ये 10 मात्रे में है, ठीक है? 10 मात्रे में यानी झप ताल, ठीक है? तो गेस करते हैं कि अब आप लिख लिए होंगे। और पलटा आप जानते हैं कि पलटा जो है दोगुनी लय में बजाया जाता है, ठीक है? पलटा यानी जैसे आप तीन ताल में सीखे होंगे, तीन ताल मैंने आपको बताया था कि पलटा जो है कभी दोगुन की लय में बजाया जाता है या दोगुन की लय में बोला भी जाता है। जैसे आप कायदे को बोलते हैं तो कायदे के आप ठा की लय में बोल सकते हैं, ठीक है? जैसे
आपको मैं झपताल का कायदा सुना दे रहा हूँ। धागे तेटे धागे तिरकिट धीन, धागे तेटे धागे तीना गीना, तागे तेटे तागे तिरकिट तीना, धागे तेटे धागे धीना गीना। इसका दोगुना करेंगे, धागे तेटे धागे तिरकिट धीना, धागे तेटे धागे तीना गीना, तागे तेटे तागे तिरकिट तीना, धागे तेटे धागे धीना गीना, धागे तेटे धागे तिरकिट धीना, धागे तेटे धागे तीना गीना, तागे तेटे तागे तिरकिट तीना, धागे तेटे धागे धीना गीना। ठीक है, तो ये दोगुन किले में मैंने बोल दिया, और दोगुन किले में ये मिलाइए और इनके पलटे को मिला लीजिए, आपको दोनों मात्रा सेम मिलेगा। 10 का दोगुना करेंगे तो 20 मात्रा हो जाएगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि प्रत्येक कायदा और पलटा में दो विभाग होते हैं, एक पहली भाग भारी तथा दूसरी भाग खाली। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा इस पर चर्चा ना करते हुए हम लोग पलटा को सीखते हैं, क्योंकि मैंने आपको कायदे में तो ये बहुत ही अच्छे से बता दिया है। ठीक है, तो हमें लगता है कि ज़्यादा इसमें टाइम पास करने से कुछ होगा नहीं, डायरेक्ट हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो गेस करते हैं कि आप इनके बोलों को लिख लिए होंगे। अब इसे देखिए कैसे बजाना है, एक एक करके मैं ट्यूटोरियल में बताऊंगा, आप अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, और तबले से रिलेटेड जो भी प्रश्न हो आप हमसे शेयर करेंगे, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फिंगर को कैसे रखना है, स्याही और लौ के बीच में इस फिंगर को रखना है, ये वाला फिंगर आपका उठा रहेगा और ये फर्स्ट फिंगर देख रहे हैं, इससे आघात करेंगे चाटी पर, तो ता ना सब की आवाज आएगी, ता ना। ठीक है, जो कि आप सुन रहे होंगे। ठीक है, डग्गे पर हो जाएंगे घे, इस दोनों को एक साथ आघात करेंगे, धा सब की आवाज आएगी, जो कि आप सुन रहे होंगे धा है, और घे बजाएंगे इस फिंगर से, फर्स्ट फिंगर से घे बजाएंगे धा घे। ठीक है, ते टे, ते टे कहाँ बजाएंगे, स्याही के बीचों बीच, ते टे, समझ गए, धा घे ते धागे तीरे कित, ये हो जाएगा ती, फर्स्ट फिंगर से इसे कहेंगे, किसे कहेंगे, ता, धागे ते ते धागे तीरे कित धीना, समझ गए, धागे ते ते धागे तीरे कित धीना। धीना कैसे बजाएंगे, लौ पर तीन डग्गे पर घेस, दोनों को एक साथ आघात करेंगे, हो जाएगा धी चाटी बना धीना। ठीक है, उसके बाद बजाएंगे धागे तेटे धागे, ठीक है, धागे तेटे धागे तिरकिट धीना, यानी इसे बजाना है तीन बार, किस बोल को, धागे तेटे धागे तिरकिट धीना, धागे तेटे धागे तिरकिट धीना, धागे तेटे धागे तिरकिट धीना, धागे तेटे धागे तीना गीना, इस प्रकार से। ठीक है, पलटा यानी प्रस्तार, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पलटा कहते किसे, पलटा कहते तबले के कायदे में आए हुए बोलों को विभिन्न प्रकार से उलट पलट कर बजाने की प्रक्रिया को पलटा कहते हैं, ये तो आप समझते ही हैं। ठीक है, तो गेस करते हैं कि आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब देखिए हम एक एक बोल को आपको बता रहे थे ट्यूटोरियल में, ठीक है, तो आप इतना बोल तो आप इसे बजा लेंगे, धागे तेटे धागे तिरकिट धीना, धागे ते ते धागे तिरकिट धीना, धागे ते ते धागे तिरकिट धीना, उसके बाद बनाएंगे धागे ते ते धागे तीना गीना। ठीक है, धा ये हो जाएगा गे, धागे ते ते धागे तीना गीना, ती कहाँ पर जाएंगे, लौ पर, ती चाटी पना ती ना गी ना। सारे बोल को एक्सप्लेन करते हैं, धागे तेटे धागे ठीक है, धागे तेटे धागे तेटे धीना, धागे तेटे धागे तेटे धीना, धागे तेटे धागे तेटे धागे तेटे धागे तीना गीना। अब बजाएंगे तागे तेटे तागे तिरकिट तीना, ठीक है, तागे तेटे तागे तिरकिट तीना, इस प्रकार से। ठीक है, तागे तेटे तागे तिरकिट तीना, तागे तेटे तागे तिरकिट तीना। अब जाएंगे धागे तेटे धागे तिरकिट तीना, धागे तेटे धागे धीना गीना। ठीक है,
धागे तेते धागे तिरकित धीना धागे तेते धागे तीना गीना धीना गीना। फर्स्ट में लगाएंगे भारी भाग में लगाएंगे तीना गीना और जो खाली वाले भाग हैं उनमें लगाएंगे धीना गीना। ठीक है, अब ये जो अंतिम वाले जो भाग हैं तो इस भाग को जैसे कहते हैं तबले के कायदे में आए हुए बोलों को विभिन्न प्रकार से उलट पलट करके बजाने की प्रक्रिया को पलटा कहते हैं। पलटा में कुल दो विभाग होते हैं, पहली भाग भारी तथा दूसरी भाग खाली। पहली विभाग बजा लेने के बाद कायदे की पहली पंक्ति को दोहराई जाती है जिसे कायदे का टेक कहते हैं। कायदे की जो पहली पंक्ति है झागे तट्टे धागे त्रिकट धीना धागे तट्टे धागे तीना गिना, तो ये जो हम ये पलटा में जो लगाते हैं पलटे के जो अंतिम वाले भाग में लगाते हैं तो इसे कहते हैं कायदे का टेक। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। इससे यदि कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट में बताएंगे, मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगा। आप मेरा एक ही कहना है कि आप जैसे आप समझे मैं उसी प्रकार से आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करें, जब तक आपका प्रश्न नहीं आएगा हमारे पास तो फिर हम कैसे समझाएंगे। ठीक है, तो आप हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएँ, ये मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है, और आप लोग अच्छे से तबला बजाना सीखें। तो चलिए गेस करते हैं कि आप इतना बजाना सीख गए होंगे। ठीक है, अब सारे बोल को एक्सप्लेन कर देते हैं। भागे तिट्टे भागे तिट्टे धीना भागे तिट्टे भागे तिट्टे धीना भागे तिट्टे भागे तिट्टे धीना भागे तिट्टे भागे तीना भागे तिट्टे भागे तिट्टे धीना 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 भागे तिट्टे भागे तिट्टे। ठीक है, तो अब कायदे को और पलटे को एक साथ बजाएंगे। सबसे पहले ठेका बजा करके सुना देते हैं, ठेका के साथ कायदा बजाएंगे और कायदा को दोगुन की लय में बजा करके फिर दोगुन की लय में आपको पलटा बजा करके सुनाते हैं। ठीक है, ठेके के बोल क्या है, तीना, धागे, तीना, गीना, 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 धाग
तो गेस करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम पलटे को कुछ देर रियाज कर लेते हैं साथ में, ठीक है। और आप जानते भी कि मैं जो भी वीडियो आप लोगों को देता हूँ उसमें कुछ ना कुछ देर साथ में रियाज करने का समय देता हूँ, इसलिए देता हूँ। देखिए जैसा मैं क्लास देता हूँ बच्चे को, मैं ऑनलाइन क्लास भी देता हूँ। यदि आप हमसे ऑनलाइन क्लास जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप हमसे ऑनलाइन क्लास जुड़ करके आप तबला सीख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ आपको बिल्कुल क्लासिकल में तबला सिखाया जाएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको यहाँ तबला सिखाया जाएगा, ठीक है। तो यदि आप हमसे ऑनलाइन क्लास जुड़ना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें और आप हमसे ऑनलाइन क्लास जुड़े, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ देर इस कायदे के पलटे को साथ में रियाज करते हैं। पहले किसी भी बोल को यदि हम सीखते हैं तो पहले ठा किले में रियाज करते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये सोचते होंगे कि पलटा तो दोगुन की लय में बजाया जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों, दोगुन की लय में बजाया जाता है, लेकिन यदि हम किसी बोल को सीखेंगे तो हमें साधने के लिए सबसे पहले ठा की लय में बजाना आवश्यक है, तभी हम लोग स्पीड कर सकते। जैसे मैं आपको उदाहरण देकर के समझ, जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चे पहले गुड़कते हैं, फिर चलना सीखते हैं, फिर स्पीड दौड़ना सीखते हैं, ठीक है। सेम उसी प्रकार से संगीत में भी है, पहले आप धीरे 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 से साधें, ठीक है, फिर धीरे 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 स्पीड करें। तो ये बात है, यदि आप डायरेक्ट स्पीड करना चाहेंगे तो ये कभी नहीं होगा, ये रॉन्ग है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप एक अच्छे तबला वादक नहीं हो सकते, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ देर इसका रियाज करते हैं, ठा किले में, फिर दो गुन किले, ठीक है। तो आप हमारे साथ रियाज करेंगे, धागे ते ते धागे ते ते
प्रकार से आप लोग भी रियाज करेंगे। गेस करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी बजाना सीखें। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद जय भारत।